यही स्टूडियो है क्या भैया? क्या हुआ तुम रोज आती थी? क्या बोले? क्या बोलेगी? हम रोज आते हैं गाने गाते हैं भैया। ये क्या बताइए, मैंने नई लड़की को मौका नहीं मिलता गाना गाने के लिए। हाँ बेचारी 5 मिनट से रोज आ रही जा रही है। कहे नहीं मिलेगा, पहले पुराने पुराने जितने स्टार लोग हैं, हम लोग पहले पुराने लोगों को काम करते हैं, उन लोगों को कर देंगे, फिर टाइम मिलेगा तब ना इनका होगा। तो मेरा पुराना अभी तो कभी नया होगा। तुम गाना गाने के लिए रोज आती थी जी? जानते कौन मेरी गर्लफ्रेंड है? ठीक है, कौन है तुम्हारा? तुम्हारा क्या लगता है बताओ उनको। बताइए, ऐसे नहीं आती लड़की के विश्वास के सब कुछ भेजा गया है इसको। हमको मेरा सोच है इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे शिल्पी राज हुई, अंता शिल्पी राज का, उसी तरह इसको भी आगे बढ़ना है। ठीक है, होगा, इनका भी रिकॉर्ड होगा। रुकिए रुकिए, कट करिए। नाम तुम्हारा क्या है? नीतू सिंह। स्टार्ट कर लो। मेरा सोच है कि नीतू को आगे बढ़ाना है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसको एक बार कौन आगे बढ़ाएगा बताइए? क्या नीतू गलती बड़ा सही बोला, कितना खूबसूरत चांस अच्छा है इसका। इसको आपको बहुत बड़ा सिंगर बनाना है। लेकिन भैया देखिए, कोई भी स्टूडियो वाला वो भी नए से पुराना होगा। तो हम चाहते हैं जय हिंद के माध्यम से अच्छा सा गाना गाए, आगे बढ़े बेचारी। तो आप साथ देंगे तब ना भैया? क्यों नहीं साथ देते हैं? एकदम साथ देंगे। चलिए इन लोगों का, जो लोग पहले से आए हुए हैं उनका काम कर लेते हैं, फिर इनका किया जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। और क्या जी, तुम कब से आती हो यहाँ पर? 2 महीने से आ रहे हैं। 2 महीने से आ रही हो जी? अभी को मौका नहीं देगा मेरे लिए? घूस नहीं मांगते हैं क्योंकि स्टूडियो बहुत अच्छा होता है, लड़की को बदनाम कर देता है, बदनाम करके आगे बढ़ने के लिए नहीं होता है। सब मालूम है गाना कौन लिखता है? बाबरा भोजपुरी टॉप राइटर है, इसमें से गाना लिखते इसके लिए। अब तब आप गाना नहीं गवाएंगे इससे जी, आपको गाना पड़ेगा। नहीं जाने और नहीं गाना इससे गवाएंगे नीतू सिंह से, जा करके सब तोड़ फोड़ देंगे। हम बता रहा हूँ, गाना गाना ना जी। अच्छा से सुना रहे कौन गाना गाई हो? देखिए कितना सा गाना गाती है नीतू सिंह, बहुत अच्छा। तुम सुना रहे कोई गाना याद है? सुना रहे कहीं कोई गा गाइए, कोई भी गाना गाइए। रउवस सैया जी है बट बिनती सुनिए कुंवर जी हमारा। रउवस सैया जी है बट बिनती सुनिए कुंवर जी हमार, भोला जी के दर्शन करे के मन में बाट बस बस बस। यूट्यूब ने सेंसर काट दी इसमें से, तो जान तोड़ बाद 15 सेकंड से बेसी समय काट लिया। तो भैया देख लीजिए, स्टूडियो मालिक साहब देख लीजिए, बोलिए बोल रहा है इसको किसी तरह से आगे बढ़ाना भैया। ठीक है, आपको घुस घुस नहीं चाहिए ना तब सुने ना, मुझे पता है बार स्टूडियो में बड़े चालू डालो लड़की गवाने के लिए लगता है ये करेंगे वो करेंगे सब। भैया मुझसे फर्क बात नहीं होना, सुन लीजिए मुझे इसको आगे बढ़ाना। क्या तुमको बढ़ा नहीं आगे? हाँ रो रही हो क्या? हाँ खास बोलो, मुझे गाना गाना आगे बढ़ना है, बोलो। नहीं मेरी शर्मा रहे, नहीं नहीं बेचारी क्या बताए। नई लड़की जन्मे करते हैं लाज देता हो ना, लेकिन देखो लाज शर्म करूँ तो ना गायक नहीं बन पाओगी। हाँ नहीं एक्टिंग में कर पाइबो कहते कहीं भाई लोग ना ना एकदम सही। हाँ तो लजायक ना चाहिए, जे करे कर शर्म ओकर फूटे करम। तो भैया देखिए, हम यही चाहते हैं स्टूडियो के मालिक साहब, जैसे बड़ी बड़ी सिंगर आगे बढ़ी है उसको भी कोई मौके दिया है। हम चाहते हैं नीतू को लोग आगे मौका दे, इसको बढ़ाए, आगे काम करे बेचारी। नाम उसका हमारा भी नाम लेगी, बॉयफ्रेंड उसका हूँ, साथ देता हूँ, हर तरह से इसका साथ देता हूँ, पैसा से, तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से। रोज आता हूँ उसके लिए, सोचता हूँ कि आगे बढ़ जाए बेचारी। तुम नहीं सोचते मेरे लिए जी? बोले सोचती हैं? नहीं बोलेगी बेचारी, नहीं खा के आई है सुबह सवेर आने से लिए, खा के ना आई हाँ ना ये खा के और उनका बनवा अपने फास कर मुर्गी भात। इसका बॉयफ्रेंड जो है बड़ा गरीब आदमी, छूछे मीट भात खाता है भैया। अरे चलिए अमीर घर की दाल भात तरकारी खाती है। ठीक है सुन लो, बोले आज के बाद से तुम गाना ऐसा गाना है, गाना है ना नहीं गाना है? गाना उधर बोलो, उधर उधर बोलो गाना। हाँ तो ठीक है भैया, इसी के साथ मैं रत्नेश बरनवाल और ये नीतू सिंह
रत्नेश वर्मा ऑफिशियल में हम लोग दोनों आज किए हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराया है कि आगे बड़े चलिए काम करें, सिंगर हैं ही थोड़ा नए नए हैं, शर्मा रही है। तो इसी के साथ मेरा चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी जोड़वा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो थम्बल ले लो, थम्बल चाटू वही बता दो, देखी तो भी किया था वो मेरा फोटो कितने के लो।